बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बटर मसाला हमारा तो लग रहा है ना ज़बरदस्त। तो इसे किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन बटर मसाला। तो ये चिकन है 500 ग्राम, ये है प्याज, ये है 100 ग्राम प्याज, और ये है 50 ग्राम टमाटर, और ये है 1 टीस्पून धनिया, ये हाफ टी स्पून शाजीरा है, ये है 5 इलायची, और ये है 4 लौंग, और ये है छोटा सा दालचीनी का पीस, और ये है 10 काजू, और ये है बटर। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये देखिए प्याज को मैं इस तरीके से मोटा मोटा कट करके रख दी हूँ, और ये जो टमाटर हैं टमाटरों को भी इस तरीके से कट करके रख दूँगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, जो प्याज है ना प्याज भी इसमें डाल दूँगी, और ये जो टमाटर है टमाटर भी इसमें डाल दूँगी, और मैं जो आपको काजू बोली थी मैं वो काजू भी इसमें डाल दूँगी। तो इसमें डालूँगी मैं आधा ग्लास पानी, मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल दी, और मैं इसको ढक्कन ढक के 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से पक जाना है, मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इसको रखने वाली हूँ 5 मिनट तक। मैं इसके अंदर जो डाली हूँ आधा ग्लास पानी, तो ये देखिए इसको ढक्कन ढक के मैं रख रही हूँ 5 मिनट मैं इसको रखूँगी और उसको आपको बताऊँगी। तो इसका फ्लेम भी आप देख लीजिए, मैं इतने ही फ्लेम पर उसको 5 मिनट रख के फिर आपको बताऊँगी। तो चलिए जब तक प्याज और टमाटर हमारा गलता है तो मैं जब तक क्या करूँगी, चिकन को सारे मसाले लगा के रख दूँगी। नमक लीजिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी 1/4 टीस्पून हल्दी है, और लाल मिर्च है 1 टीस्पून, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून। तो ये सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए इसको सारे मसाले में लगा के रख दी हूँ, अब मैं इसको रख दूँगी 10 से 15 मिनट तक। तो ये जो मैं आपको मसाले बताई हूँ मैं इसको भी हल्का सा थोड़ा रोस्ट करूँगी और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो चलिए 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, तो ये देखिए पानी भी अच्छी तरीके से सूख गया है। तो ये देखिए इसका पानी जो है अच्छी तरीके से सूख गया है। तो अब मैं कर दूँगी फ्लेम को ऑफ और इसको कर दूँगी थोड़ा सा ठंडा, और ये जो छिलके हैं ना इसको भी मैं निकाल दूँगी, देखिए निकाल दूँगी, और उसके बाद कर दूँगी इसको ग्राइंड। तो चलिए जी जब तक ये ठंडा होता है हम करते हैं चिकन को फ्राई। तो ये है बटर, बटर मैं ली हूँ 50 ग्राम। तो ये बटर को जो है मैं इसमें मेल्ट होने के लिए रख दी, और मैं इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें से थोड़ा तेल डाल रही हूँ। मैं तेल इसलिए डाल रही हूँ, ये जो बटर है ना वो ऐसे ही डाले तो ये बटर जो है जल जाता, तो इसलिए मैं इसमें तेल ऐड करी। तो चलिए चिकन भी डाल देती हूँ साथ ही साथ। अब चिकन को अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी इसमें। तो देखिए चिकन यहाँ पे हो रहा है 1-2 मिनट के वास्ते, मैं जो है इसको ढक्कन ढक के रख रही हूँ सिर्फ 2 मिनट। तो चलिए जी 2 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, तो चिकन को भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बस इसको इसी तरीके से मैं फ्राई करते रहूँगी जब तक चिकन ना गल जाए, जब तक मैं इसको उस तरीके से ही एकदम, मैं मीडियम फ्लेम पर नहीं लो फ्लेम पर मैं इसको रख के जो है इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। देखिए ये जो है इस तरीके से चिकन अच्छी तरीके से फ्राई होना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए चिकन तकरीबन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से पेस्ट इसको बना ली हूँ, एकदम स्मूथ, देखिए बारीक हो गया है ये अच्छी तरीके से। और ये है धनिया गरम मसाला जो बताई थी मैं आपको, ये वो है। तो चलिए जी ये जो सारा पेस्ट है मैं चिकन में डाल दूँगी, और थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी है, मैं ये भी इसमें डाल दूँगी, और ये जो मसाले को है और अच्छी तरीके से 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे ही इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना। तो ये जो मसाला मैं आपको बोली ये भी सारा मसाला इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लूँगी। मैं फ्लेम को कर दूंगी फुल।
तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुने गया है और ये जो है साइड से सारा बटर भी आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, आधा ग्लास पानी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें डालूंगी कोथमीर थोड़ी सी, कोथमीर डालना है। और मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, हाफ टी स्पून से भी कम, क्यों बोलते हो, ये है 500 ग्राम चिकन तो इसके हिसाब से ही ये मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, बस खुशबू के लिए। तो मैं इसको रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे एक पाँच मिनट तक, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए जी, 5 मिनट हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन बटर मसाला हो गया एकदम रेडी। अगर आप इसको और थिक रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, तो बस इस तरीके से ही होना है ये। तो मैं अब कर दूँगी फ्लेम को ऑफ, अब कर दूँगी डिश आउट। तो चलिए जी, हम करते हैं डिश आउट। Thank you.